या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सरफराज भाई हैं, इनका सवाल ये है कि किसी कंपनी में जॉब छोड़ने पर कंपनी के अंदर इम्प्लॉयज़ जो है ना, जिसके अंदर इम्प्लॉयज़ में लड़कियां वगैरह भी होती हैं, ये लोग फेयरवेल की पार्टी कर रखते हैं जिसके अंदर कपड़े या दूसरी चीज़ें गिफ्ट देते हैं जॉब छोड़ने वाले को फेयरवेल के नाम पर, तो क्या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कहाँ है ऐसी कंपनी भाई जो छोड़ने पर कंपनियाँ लोग गिफ्ट दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, और एम्प्लॉइज़ जो तोहफा वगैरह देते हैं फेयरवेल की पार्टी के नाम पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें कोई हर्ज नहीं है लेने में, जबकि ना लेने में अगर हर्ज वाक़ हो तो ले लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कपड़े हों या दूसरे तोहफे हों, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसमें लड़की देती है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर लड़की से तोहफा लेने के अंदर मसला नहीं है। यानी जो रिश्वत के हुक्म में गालिबन आप ये पूछना चाहते हैं, वो रिश्वत का हुक्म अलग होता है, हर तोहफे पर रिश्वत का हुक्म नहीं होगा, ठीक है। नाजायज़ होने की भी अलग अलग किस्में हो सकती हैं कि बाज़ सूरतों में तोहफ़ा लेना नाजायज़ तो हो सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद रिश्वत नहीं हो सकती। दूसरा तरीका हो सकता है कि उस तरीके से नाजायज़ हो, लेकिन हमेशा वो रिश्वत वाला मामला नहीं होता। तो फ़िलहाल ये कि ले लेना चाहिए अगर देते हैं लोग। वैसे ऐसे मामले में जो है ना, किसी पर्टिकुलर एक शख्स जो है ना सेपरेट तोहफ़ा तो गालिबन नहीं देता। इसमें क्या होता है कि लोग चंदा वगैरह करने के बाद पैसे मिलाते हैं, फिर कोई चीज़ लाते हैं। जैसे केक वगैरह काटा जाता है तो सब लोग उसके अंदर जो है ना कंट्री करने के बाद पैसे जमा करते हैं, तो केक लाते हैं तो उसमें सबके पैसे मिक्स होते हैं। या कोई किसी को तोहफा वगैरह दिया जाता है तो फिर वो सबके पैसे लेके दिया जाता है। तो इस तरीके का मामला होता है, उसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेने में भी दिक्कत नहीं है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।